इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर से हम ऑटो स्टार्ट की जो परमिशंस रहती है उसको कैसे बंद या चालू कर सकते हैं, ऑटो स्टार्ट की जो फीचर रहता है अपने फ़ोन में से फ्लिपकार्ट को कैसे बंद कर सकते हैं ऑटो स्टार्ट होना। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसको बंद करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन की सेटिंग्स में जैसे ही आप जाएंगे नीचे जाना होगा। नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलती है ऐप्स, तो ऐप्स को खोल लेना है आपको। और यहाँ पर हम Redmi का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो Redmi का फ़ोन आपके पास है तो आप ये प्रोसेस इजीली कर पाएंगे। उसके बाद परमिशंस पे जाना है चौथे नंबर पर, और सबसे ऊपर ही यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट मिल जाएगा। तो जैसे आप इस पर टिक करते हैं, इसे खोलते हैं, तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट मिल जाएगा। तो जैसे आप इस पर टिक करते हैं तो ये बंद हो जाएगा, और दोबारा इस पर टिक करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाएगा। कि रनिंग टाइप का ऑटो स्टार्ट रहता है, आप उसको चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।